मुरादाबाद में परिजनों से अलग रह रहे शिक्षिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार स्थित आकाश ग्रीन रेजेंसी सोसाइटी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शिक्षिका ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों से अलग रह रहे शिक्षिका ने खुद को लगाई फांसी। मिली जानकारी के अनुसार सूची भारद्वाज अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ महीनों से आकाश ग्रीन सोसाइटी के किराए के मकान में रह रही थी। मुरादाबाद के कई स्कूलों में शिक्षक रह चुकी, लेकिन कल सूची भारद्वाज ने अपनी 6 साल की बेटी को नानी के घर नवीन नगर में छोड़कर आई थी। तब उसने परिजनों से कहा था कि उसको सुबह गजरोला किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाना है, लेकिन जब परिजनों ने उसे कॉल किया तो फोन रिसीव तक नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों को शक हुआ तो शिक्षिका का भाई उसके घर पहुंचा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। भाई ने घर के पीछे के रास्ते से देखा कि सूची भारद्वाज फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। ये देखकर भाई की चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि शिक्षिका ने आत्महत्या क्यों की। उधर पड़ोस की रहने वाली महिला का कहना था कि सूची भारद्वाज बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन इस तरह का आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस बात से क्षेत्रवासी हैरान हैं। कभी दिल मानने को ये तैयार नहीं है कि सूची सुसाइड कर सकती है। मतलब इतनी जिंदा दिल, इतनी हंसमुख लड़की की जो दूसरों को मोटिवेट करती थी, वो कभी भी ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। पता नहीं ऐसा क्या रहा जिससे उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया या क्या हुआ, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन हम में से कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि सूची सुसाइड कर सकती है। आप लोगों को इसको अच्छी तरह से इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि भैया वो बहुत ही जिंदा दिल थी और इतनी वेल एजुकेटेड, स्मार्ट, पढ़ी लिखी। और मुझे मोटिवेट करना, मतलब और लेडीज़ जितनी भी हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ जितनी उसके साथ दोस्त थे, सभी को मोटिवेट करती थी और बहुत ही पॉजिटिव थी। शी इज़ वेरी पॉजिटिव। लास्ट टाइम वैसे तो हम लोगों की फेस टू फेस हम लोग मुलाकात हुई थी, तो हम लोगों की घर में बैठ के बात हुई थी, हमारे साथ बैठ के कॉफ़ी पी गई थी आज से कोई 4-5 दिन पहले। नहीं, 4-5 दिन ही, थोड़े से ज़्यादा दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए। तो हम लोग के साथ में बैठे, हम लोग बैठ के कॉफ़ी पिए और तब तक हम लोग बहुत ही खुश थे। भैया उसने कभी अपने फेस पर आने ही नहीं दिया, उसने कभी भी अपने फेस पर आने ही नहीं दिया कि मतलब कि वो डिस्टर्ब है या वो परेशान है। हाँ जी, हम लोग हाँ बस थोड़ा सा हस्बैंड के बारे में यही बताया था कि जब उसका सेपरेशन हुआ था तो तब उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हूँ थी, तभी मैंने ये डिसीजन लिया, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। 112 पे सूचना मिली थी कि जहाँ पे एक सूची नामक महिला है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर आई है, फॉरेंसिक टीम आई है, जाँच कर रही है। उनका बॉडी अभी जो देखा गया तो भी पंखे से लटका पाया गया है। और परिवार वालों का कहना है कि इनकी शादी कुछ साल पहले हुई थी, इसमें इनका डिवोर्स भी हो गया बाद में। अभी ये सिंगल, यहाँ पे सिंगल मदर थी, इनकी 6 साल की बेटी उसके साथ रह रही थी। और उसकी जो है फॉरेंसिक टीम पे सारे साक्ष्य जो कुछ भी है सब कुछ देखा जा रहा है कि क्या है, कहीं कुछ कोई और एंगल तो नहीं है, और इसकी जाँच की जा रही है। और पीएम के घर वाले मना कर रहे, बट उनको समझाया जाएगा कि पीएम करवा लें, क्योंकि पीएम करवाने से एक्चुअल डेथ ऑफ का जब डेथ क्या वो पता चलेगा। और जैसा वो लोग कहेंगे और उनको समझाओ जाके उनसे कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसा कोई प्रथम दृष्टिया हम नई ओपिनियन नहीं दे सकते जब तक इस पर पोस्टमार्टम या फॉरेंसिक टीम जो हमारी लगी हुई है वो साक्ष्य कलेक्शन कर रही है, उसके आधार पर हम कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। ये यहाँ पर जॉब करती थी कहीं पर, पहले टीचिंग भी करती थी, इसके पहले लॉकडाउन के पहले वो दिल्ली में भी काम करती थी। पूरा डिटेल अभी उनका लिया जा रहा है, पूरा परिवार का नहीं, परिवार वालों का ऐसा कोई अभी आरोप उकसाने का नहीं आया। वो लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं अभी तक कि सर हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना, बट उनको समझाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है, अगर करवाएं तो उनके लिए बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा।